ये क्या हो रहा है? यू आंखें मीच कर शिक्षक सामने क्यों खड़े हो? मैं तुझे पता नहीं है, मैं ये देख रहा था सलमा कि आदमी सोता हुआ कैसा लग रहा है, ये देख रहा था मैं। याला मूर्खता की भी कोई हद होती है। अगर तुम आंखें मीच कर शिक्षक सामने खड़े हो जाओगे तो दिखेगा क्या खाक? मूर्ख भी नहीं हूँ जितना मुझे मान रही है। तुझे पता मैं जबरदस्त से आंख खोल कर देख रहा था, मगर तू देख रहे तब ना और ऊपर से रोने लगी मेरे ऊपर। मैं तुम्हारे ऊपर नहीं रो रही, मैं तो अपने मुकद्दर पर रो रही हूँ। मुकद्दर पर रो रही है? मुकद्दर कौन है? सारा कौन है बीच में आ गया मुकद्दर? तुम्हारी फालतू बात सुनने के लिए मेरे पास दिमाग नहीं है। फालतू दिमाग नहीं है? देख लो, या तो मुकद्दर को बता दे कौन है साला, उसका सनीचर चढ़ने वाला तेरे पे। कदे ना चढ़े सनीचर, मेरे सामने बोल मत जाइयो। बोल जाइयो? अरे मुझे धमकी दे रही है सनीचर की? तुझे पता मैंने अपने डंडे का नाम सनीचर रख रखा। हाँ रख रखा, तो मैं क्या करूँ? डर नहीं रही? ना डर रही, क्या करोगे? बस सनीचर से नहीं डर रही। ना डर रही, अभी ले जानी चला रहा है। ऊपर वाला तेरा भला करेगा क्या? शनिदेव के नाम पे दे दे बाबा, ऊपर वाला तेरा भला करेगा। शनि नाम पे दे दो, ऊपर वाला भला करेगा। मैं जब ऊपर वाला भला करेगा तो शनि नाम पे क्यों देगा? वाला ऊपर वाला करेगा, देव शनिदेव के नाम पे। शनि के नाम पे दे दे बाबा, तेरा मुकद्दर खुल जाएगा। तेरा मुकद्दर खुल जाएगा? मुकद्दर क्या है खुल जाएगा? मुकद्दर है किस्मत का ताला, अगर खुल जाएगा तुम्हारे पास धन आने लगेगा। धन आने लगेगा? वाह शनिदेव इतना बेकार है, ये तो उसकी गलती है। इसमें है शनिदेव, अगर इसके नाम पे कुछ देगा तेरा मुकद्दर खुल जाएगा। यानी कि इसमें शनिदेव जी और उसमें तेरा कब्जा? जी हाँ, इसमें शनिदेव जी बंद है, जैसे मैं कहूँगा ऐसे ही करेंगे। अगर तुमने दान नहीं दिया तो तुम्हारा मुकद्दर सोता ही रहेगा। बेटा शेख सिल्ली, अगर मैं इस शनिदेव का याद करा दूं तो मेरा मुकद्दर जाग जाएगा। अगर तुम दान नहीं दोगे तो मैं शनिदेव को नहीं छोड़ूंगा। क्या सोच रहे हो मुल्ला जी, जल्दी करो। मैं सोच रहा हूँ जब शनिदेव को तू बंद कर लेगा तो मेरा मुकद्दर कहाँ जागेगा, सोता ही रहेगा। नहीं छोड़ो शनिदेव, नहीं छोड़ू, नहीं छोड़ा। बताना मत कि यहाँ पे छुपी हूँ मैं। क्यों इतनी डरी हुई हो, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाईजान, बस शेख जी बहुत गुस्से में है और वो मुझे मारने आ रहे हैं, तुम बताना मत। ठीक है। बस हलमा, मैं कहाँ घुस गई पगली भारी कल, मैं शनिचर उतर रहा था भिखारी पे उतर गया, मैं कहाँ गई? सलमा देखिए, हम नहीं बताएंगे, सलमा ने मना क्या बताने के लिए? बाप अगला बता दे सलमा को। नहीं इसका मतलब तेरा सही है, देखो मैं नहीं घुसने दूंगा अपने घर में। नहीं घुसने दे? नहीं नहीं बतावा। नहीं बाप घुस जान दे। नहीं 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 घुसने दे। नहीं नहीं घुसने दे। चलो मैं तो घर पे ही घुसी थी, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो उसे इतना पीटा कि उसके घर वाले देखेंगे तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे गोली से। सलमा मुझे बचा ले। सलमा सलमा अगर मैं मर गया तो तेरा क्या होगा? सलमा तू कहाँ जाएगी? सलमा शेख जी मेरा तो तुम्हारे सिवा कोई भी ना है, मैं किसके सहारे रहूंगी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कहाँ जाऊंगी मैं, तो सोचो। हाँ सलमा सलमा ऐसे करते हैं, ऐसे कोई चलते है, कोई अलग चलते है दूसरे गाँव में किराए पर रह लेंगे। सलमा हाँ शेख जी, कम से कम मुसीबत से तो बचेंगे। हाँ ठीक है सलमा 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 सलमा, वरना लोग आ जाएंगे। सलमा
सलमा तू ऐसे कर, तू सामान बांध ले, मैं गधा लेकर आता हूँ। लेकिन शेख जी हम जाएंगे कहाँ? सलमा तुझे पता, जिस गांव में तुझे लेकर जाऊंगा ना, उस गांव में मेरे मामू का लड़का रहता। तब तो ठीक है, तुम गधा लो, मैं सामान बांध लेती हूँ। जल्दी जा। सलमा, ओ सलमा, आगे शेख जी ले आएगा था? ले आएगा था, सामान बांध लिया। हाँ ठीक है ठीक है, सामान था बताओ। क्या बात है, तो सलमा को भी गैल में लेकर आए हो? आना की आकिल भाई, मुझे रहना भी तुम्हारे गांव ही है, कोई कमरा बतला दे यार। अरे वो तो तेरा सब जुगाड़ कर दूंगा मैं, बाकी किराए पे दिला दे कोई घर। किराए पे घर दिखा दूं? हाँ आओ तो देखो उधर है घर। चलो ठीक है, दिखाओ। अरे अली की अम्मी जरा बाहर आना। अभी आई हूँ। हाँ क्या बात है, बोलो। अरे बोलो क्या, वो आकिल पैसे लेके नहीं आया, दो दिन के लिए कहकर गया था। आ जाएगा, दो दिन को लेके गया, चार दिन से ही, सबर रखो। देखो अगर वो आज पैसे लेकर नहीं आया ना, तो कल मुझे उसके घर जाना पड़ेगा। जाओ जाओ, जितना जिसके साथ अच्छा करो उतना बुरा होता है, और फिर उनका मुकद्दर जो तुमसे पैसे ले गए। अबे जब तुझे पता है कि मेरा नाम मुकद्दर है तो बार बार मेरे नाम क्यों लेती है, चलेगा पानी पिलवा दे। शेख साहब कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी ऐसी तैसी कराने जा रहे हूँ, कहाँ जा रहे हो? तुझे बता अखिल, जब मैं तुम्हारे गांव में आई पड़ा यार, मेरा काम ना धंधा, अब हम खाएंगे क्या डले?
चिंता ना करे, मेरे साथ चलेगा। है? तुम मेरे साथ चलियो। हाँ। और तुम्हें पता है हमारे यहाँ पे मुकद्दर अली नवाब साहब रहते हैं। अच्छा, वो सब काम दिलाते हैं। भाई यार, भाई आखिर भाई मुझे जरूरी है, चलो उसके पास, और मुझे काम करना है यार। मगर कल लेकर चलूंगा। है? कल मैं कल के ले चला, कल गया भाड़ में, अभी ले चल। अरे भाई कल लेकर चलूंगा, कल ले चल। ओ बाबा चल चल चल, मुझे ना पीटना तेरे से, चल चल दिलाते। हाँ तो बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ? अजी बोलना ही क्या, कुछ काम धंधा दे दो इसे। हाँ तो बोलो, क्या काम है तुम्हारे भाई को? काम बहुत है हमारे पास, खेतों में काम है, घर में काम है, बोलो कौन सा काम दे? नवाब साहब तुम्हें पता भारी काम तो मेरे पास की है नहीं, मुझे तो भाई हल्का सा काम दे दो मेरा शरीर देख के। हाँ तो हल्का काम तो घर में ही है। अरे हाँ, अगर तुझमें बाल बनाने आते हो तो मेरे और मेरे परिवार वालों का बाल काट दिया करना, इससे अलग काम नहीं मिलेगा। क्यों आखिल? ये ठीक है आपने, मेरे पता बाल काटने आते नहीं है। अरे वो तो मैं सिखा दूंगा, और तो और औजार भी मैं अपने दे दूंगा, और तो यहाँ पर मौज भरेगा मौज। हाँ जी मंजूर है, ये कल से ही आपके यहाँ बाल काटने आ जाएगा। एक बात तो सुन ले, हमारा नाम मुकद्दर अली है और सभी लोग हमें मुकद्दर कहते हैं, और ये समझ लो कि आज से तुम्हारे मुकद्दर भी हम हैं। तुम्हें जब भी कोई भीड़ पड़े मुझे जगा लेना, और देखो कल से काम पा जाना। ठीक है, आ जाऊंगा। कल से आ जाना। आ जाऊंगा कल से, आ ही जाना। आ जाऊंगा, गाड़ी भर के ले आ जाना, गाड़ी भर के लास्ट कल से सुबह जल्दी आ जाना। आ जाऊंगा, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। आगे निकल यार। अरे बेगम आ जाओ। बाल काटने भी सिखाऊंगा। आज ही सिखाते थे भाई, आज ही सिखाते। बढ़िया तार लगा। क्या कर रही है, नौकरी लगी। मेरे बाल काट दो। हाँ जल्दी करो, मेरे बाल कटने हैं। अरे हाँ हाँ बैठ, काम अभी करता है, अब का नंबर तुम्हारा ही है। आराम से बैठा रहे, 10 मिनट बोल दिया, काम नहीं करने देगा, जल्दी अपने घर को चल। मुल्ला जी तो बाल काट दे, को हीरो बना दूंगा, बिल्कुल हीरो। चिंता ना कर शेख साहब, ध्यान में धरते रहो, मैं बाल कैसे कैसे काट रहा हूँ। कभी गाँव में मेरी बेइज्जती करवा दो तो मैं भी काट दूंगा। कंगा बढ़िया चला ले, तुमने मेरे बच्चे कान काट दिया। मेरी गलती नहीं है इसमें, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी क्या गलती है, गलती तो इसकी जैसे ही सिखाएगा इसी तो करूंगा, ये मेरा गुरु है। अरे तुम बाल काटने तो सिखाए, कान काटने थोड़ा ही। हां जब मेरी गलती से मारो साले को, मारो साले को, मेरी गलती है। अरे मेरी गलती है भाई। अरे नहीं भाई, बुखार हो रहा, साले को पढ़ा दिए पहाड़े, मैं लेट रहा हूं। भाई जान, क्या बात हो गई, कैसे दुखी से हो रहे हो? मैं दुखी को तो कुछ ना, पर इस एक सिल्ली से मेरा औजार दबा दो, इन्हें तो बुखार हो रहा है।
हैं, इन्हें बुखार कब हो गया? अभी अभी हुआ भाईजान। और इतनी जल्दी बुखार भी होगा? मैं तुझे बता, जब मुझे कोई मारता या मेरा पीछा करता तो मुझे बुखार हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो तुम मेरे औजार दे दो। मैं तो भाई फेंक गया तेरे औजार। दे बस ले, मेरे पे तेरे औजार बोजार नहीं है। और मुझे तो निकल ले, आराम करने दे, जल्दी निकल। ओहो, तो मेरे औजार भी खो दिया, मुझे और लाने पड़े। भाईजान इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, तुम नया औजार ले आना। निकल निकल, नहीं निकला सारे का लपाटे मारूंगा। आया भगाया मेरा औजार, दे दे औजार, दे दे। इस गांव में भी ड्रामा शुरू कर दिया तुमने? बस ये ड्रामे की पड़ रही है। बासन, अगर मैं इसे औजार न लाता तो कल मैं मुकद्दर के बाल कहां से काटता? क्या औजार तुम्हारे पास थे और तुमने इससे झूठ बोला? क्या मुझे मुकद्दर के बाल नहीं काटने? बाल काटने का काम शुरू करोगे? बाल काटने आते हैं तुम पे? अभी अभी तो सीख आया हूं। और ये केस वैसे ही लिया मेरे पे, इसे मैं औजार दे देता। पागल मानी से चिल्ली, पागल है से चिल्ली, जुबान लड़ा रही है। ठीक है, जैसा करना करो। ठीक है ठीक है, घर चल अंदर वहां करो। पागल मान रहा शेख चिल्ली को, भैया बाल नहीं काटने, वो पागल कल को बाल काटने, औजार दे दो ये। अरे तू तो नहीं लिया, बोले उसने काटे का पुराने, इससे काटे बता लेंगे। मुकद्दर मियां जी, बाल कटवा लो, बाल किधर घुस गए? सुनी ना रे, बाल कटवा लो, बाल। अरे मुल्ला जी, आगे बाल काट रहे हो? हाँ बाल कटवा लो, बाल। ये क्या? ये हुआ उस तरफ पटर, उस तरह। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मुल्ला जी, तू हमें नहीं जानता, हम मुकद्दर है तेरा भी और इनका भी। हमें कुछ कहने की हुकुम देने की जरूरत नहीं। तो कैसे? जैसे तुमने अभी कहा कि बाल कटवा लो, अरे आए हो आराम से बैठो, हमारा मन करेगा कटवा लेंगे, मन नहीं करेगा नहीं कटवाएंगे, पैसे तो तुम्हें दे ही देंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल हुक्म नहीं दूंगा, मैं क्यों दूंगा हुक्म? हाँ, अगर आज के बाद हुक्म दिया ना तो पिटाई होगी, समझे? हाँ ठीक है, समझ गया। मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? अब नहीं कहूंगा, बिल्कुल मूर्ख है, शेख चिल्ली को पागल मान रहा, मैं क्यों कहूंगा? मन कर बैठ जाता हूँ। अम्मा बेगम, ठीक है पैसे लूंगा, ज्यादा नहीं कट रहा हुआ, बात कटवाओ, कोई बात कटवाओ, फ्री के पैसे चाहिए। ज्यादा नहीं रहूंगा बैठे बैठे, कहीं ना रहा मेरे से बाल काट दे, ना कटवाया जाना, मुझे तो फ्री के पैसे दीजिएगा। आधा दिन होगा, थोड़ा सा और गुजर जाइए दिन, बाद मेरे तो पूरे पैसे हो जाएंगे, मैं तो पैसे लेके जाऊंगा घर से। अरे मुल्ला जी, अरे आ जाओ भाई, बाल काट दो। बाल काट दो, ठीक है बाल काट देता हूँ, बहुत दिनों का ये। बताओ कहाँ के काटूँ? क्या मतलब? मैं बिल्कुल नहीं जानते, मेरा मतलब है ऊपर के काटूँ नीचे के? अरे सीधे बाल काट दो। ठीक है सीधे काटता हूँ। तो मना किया था ना कि हमें हुक्म मत देना, और तूने फिर हमें हुक्म दिया, हमें हुक्म दिया हम सजा देंगे। संगे खान, इस हजाम ने अभी भी चार गलतियां की, इसे गिनकर 15 लाठियां मारो। चल खड़ा हो और हमारे बाल बना।
ठीक बता क्या करेगा, खेत गार क्या करेगा, घर का खाना बनाएगा? अगर तूने खेत का काम ले लेते ही दही तोड़ लेंगे काम, इसलिए खाना बनाने का काम ले लेता हूँ, खाना भी खाया करूँगा। ठीक है ठीक है, मुझे खाना बनाने का काम दे दो, खाना बना करूँगा तुम्हारे घर का। घर का खाना? हाँ। खाना बना भी देगा? हाँ। ठीक है तो कल साजी। ठीक है बेगम को आराम मिल जाए। चुप। हाँ अल्लाह, बड़े बेरहम थे वो लोग। मैं उसे बाल काटने गया था ना। फिर क्या हुआ? जलवा मैंने उसे कहा नाड़ी दरकर, उन्हें करी। फिर मैं कहा नाड़ी दरकर, उन्हें करी। मैं कहा नाड़ी चकर गुद्दी के बाल काटने। तो इसमें रोने की क्या बात है? रोने की बात है, एकदम जो कर लगा साला नाई होगा मेरे पे हुक्म चलाएगा और मेरे पे 15 डंडे लगवाए साले ने। शेख जी, जब तुम्हें बाल काटने नहीं आते थे तो क्यों गए थे वहाँ पे? मैं उसे सीख गया था, मैं जी थोड़ी गया था, पर साला लू करा नाई होगा हुक्म देगा, साला ने मेरे 15 डंडे लगवाए। शेख जी ऐसा करते हैं, अपने उसी गाँव में चलते हैं, यहाँ तो बुरे फंस गए हम लोग। सलमा अब क्या होगा, अगर मैंने मना करी तो फिर लाठी से मारेगा साला, मैं क्या करूँ, मैं उसके औजार भी लौटा दूंगा। मगर अब करेंगे क्या? सलमा मैंने उसका खाना पकाने की हाँ कर ली। ये और तुमने जंजाल पाल लिया, तुम्हें तो खाना पकाना भी नहीं आता। सलमा ठीक है, तुम मुझे खाना पकाना सिखा देगी? हाँ सिखा दूंगी, मगर मुझे कल ही खाना बनाना। शेख जी ऐसा करते हैं, अपने वापस गांव चलते हैं, यहाँ तो गलत ही फंस गए। मगर जाने भी नहीं देगा। सलमा मेरे समझ में एक बात आ रही है, कल तक मेरे पे खाना पकाना तो सिखा नहीं सकती, तू ऐसा करियो अपनी छत पर चढ़ जियो और मैं उसकी रसोई में कुछ देखता रहूंगा और तू मुझे इशारे करती रही है, इशारे करती रहे कि मैं ऐसी खाना बनाता रहूंगा। मैं तुम्हें छत से बताती जाऊंगी, अब तुम खाना बनाते जाना। ठीक है सलमा, अब मैं कभी पिटने वाला नहीं हूँ। अरे तो कितनी अच्छी है सलमा, जब तुम मुझे मिली थी वो दिन याद आता है कभी कभी। तूने ये सलमा अच्छा किया, उजड़ा घर मेरा बसा लिया। तूने ये सलमा अच्छा किया, उजड़ा घर मेरा बसा लिया। सुंदर है मन,
होता है प्यार ऐसा दुनिया में। तूने ये सब को बता दिया, तूने ये सलमा अच्छा किया, उजड़ा घर मेरा बसा लिया। तूने ये सलमा अच्छा किया, उजड़ा घर मेरा बसा लिया। मेरे भी दिल की तू रानी मिली, वाणी से मेरी ये वाणी मिली। मेरे भी दिल की तू रानी मिली, वाणी से मेरी ये वाणी मिली। खुदा ने जब तुझे दिया मुझे, मैंने कहा तूने सब कुछ दिया। तूने ये सलमा अच्छा किया, उजड़ा घर मेरा बसा लिया। होता है प्यार ऐसा दुनिया में, तूने ये सब को बता दिया। हाय अल्लाह ये मैंने अच्छा किया, हाकी कसम तुम्हें माना मिया। हाय अल्लाह ये मैंने अच्छा किया, हाकी कसम तुम्हें माना मिया। सलमा अच्छा किया, उजड़ा घर मेरा बसा लिया। होता है प्यार ऐसा दुनिया में, तूने ये सब को बता दिया। हाय अल्लाह ये मैंने अच्छा किया, हाकी कसम तुम्हें माना मिया। हाय अल्लाह ये मैंने अच्छा किया, हाकी कसम तुम्हें माना मिया। और आगे देखो, आप इंग्लिश और उर्दू तो सिखा दूंगा सर। और तुम एक बात बताओ कि तुमने सुबह नाश्ते के बाद में खाने के बारे में कुछ सोचा कि नहीं? क्या बात है, आपने कहा था ना कि खाना सेफ्टी नहीं बनाएगा, तो फिर मैं खाना क्या बनाती? आप कहा था पर उसका तो पता ही नहीं, पता नहीं कहाँ मर गया, आया ही नहीं अभी तक। सलाम तो तेरी 10 बार, पर एक बात बता, जब तुझे खाना बनाने का वक्त दिया था तो लेट क्यों हो? मुकद्दर मियां, तुम्हें पता मैं खाना पकाना सीख रहा था। हैं? खाना बनाना सीख रहा था? तेरे पे खाना बनाना ना आता? नहीं। क्यों? मेरा मतलब तुम्हारे लिए मैं नए नए आइटम की पकौड़े, बिरयानी, आमलेट। रसोई में जा, सारा सामान वहीं रखा और खाना बना ले। ठीक है, बना रही हूँ। शेख को पागल समझ रहे हो? पागल है शेख, सिल्ली गई। और एक बात सुन ले, अगर आज भी नुकसान कर दिया ना, अगर आज भी नुकसान कर दिया तो डंडे 15 लगेंगे ना। 15 लगेंगे? हाँ ठीक है, खाना गलत पकेगा तो ना। Thank you.
एक बार जाकर देखो तो सही। खबर ना है, एक मिनट का भी। जाती हूँ। इशारा कर दियो, मैं खाना बना लूंगा। मैं तो मजाक समझा रही है, मेरी मजाक कर रही है। चुप बैठो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरी था उसके यहाँ काम करना। मैं मरूंगा, ज्यादा मत बोले। क्या करोगे? बोलूंगी। अभी करूं? क्या करोगे? मैं करता क्या, मसाले की मुकद्दर की नौकरी छोड़ दूंगा। मैं तो कहीं जाकर काम कर लूंगा। अरे अकील को भी ले जाना साथ, कभी अकेले चले जाओ। ठीक है, ले जाऊंगा, मगर भूखा नहीं जाऊंगा, रोटी खा के जाऊंगा। एक बात बता, मैं तो बाल काट कर गुजारा कर लूंगा, तुम क्या करोगे? हाँ, बाल से मैंने भी काटे, पर कम मकसद साले ने मारा बहुत मुझे। अरे जब तुमने काम ठीक से सीखा ही नहीं है। हाँ। मेरे पेट में दर्द हो गया, मैं तो खाना करूंगा। तू भी एक काम आगे का तैयार रखा है, जा करिया, मैं यहाँ बैठा हूँ। बैठ जा, फिर बैठ गया। लेटरिंग है? हाँ, वहाँ तो सलीस तरह कुछ भी आराम सा। ओबा,
ये क्या पोटली थी? पोटली में माल है माल। एक काम कर, मैं तो चला घर को और तू अपना काम तलाश करिया। पैसे इसमें से मुझे नहीं देगा तू? मैं नहीं देने वाला, मेरा माल है, मुझे मिला है। मुझे दे भाई, मैं कुछ नहीं देने वाला, मुझे मिला, मेरा ही है। मैं तेरा साथ नहीं था क्या? जी अगर उस झाड़ी में सांप होता मुझे काट लेता, तू क्या मेरे साथ में मरता? हैं? हाँ नहीं मरता? ना मरता तो फिर मैं दे दूँ? मुझे देना पड़ेगा। नहीं दूँ। बस दे दे। मुझे मिला, मेरा है, नहीं देने का। बस दे दे, नहीं कमर में दाब दे। बस नहीं देने वाला, नहीं देने वाला, नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ रहा, छोड़ दे, भाई मुल्ला जी तुम्हारा मुकद्दर सो रहा है, इनका जाग रहा है, तुम अपने मुकद्दर को जगाओ। ये इनके मुकद्दर का था, इन्हें मिल गया। ये बात है, ठीक है आगे तू निकल, सब निकलो। नहीं निकला? आए फैसला कर लो जी मुल्ला जी, इसे मुकद्दर कहा, तेरा मुकद्दर कौन है? हाँ ओ भाई, ये तो वही मुकद्दर साला जो मेरे घर के सामने रहता, उसने तो मुझे खाली बहुत मारा था। हैं? मेरे से कह रहा था मैं तेरा मुकद्दर हूँ, आज कुछ मिलने का टाइम आया तो सारा सो गया। ठीक है वही आ रहा हूँ, अगर मैंने भी तेरे पर लटना बजाय तो मेरा नाम शेख चिली नहीं, जगा के मानूंगा तुझे, जगा के मानूंगा, आ रहा हूँ। बात
मेरा मुकद्दर सोवे तू आज जगाई। शेख जी झगड़ा छोड़ो ना है चीख लड़ाई। ओए मेरा मुकद्दर सोवे तू आज जगाई। मेरे घर में है कंगाली वो रह वह तोता। मेरी बात मानो गुस्सा ठीक न होता। मेरे घर में है कंगाली वो रह वह तोता। ना मानो तो चले जाओ तुम दिया छोड़ बिन बात गरजना। काम था कुछ काम करोगे क्या? मैं काम कर भाड़ में काम कर काम कर मैं बात तुम्हारे घर में थूक भी ना काम करना है कैसे सोना होगा बार बार सारे कैसे तुम्हारे मोहित का हो जाए बच्चे मैं भी देखा हूं। सब लोग मुझे क्यों कहते मेरा मुकद्दर यहां सो रहा है? साले को मैंने ना जगाया था मेरा नाम शेख चिल्ली नहीं। यहाँ हो रहा मुकद्दर के बच्चे हर जगह से तेरी वजह से घाटा होता है मुझे। यहाँ भी काम करूँ डॉक्टर ने तेरा मुकद्दर सुना तेरा मुकद्दर सुना सारे बोल सुना दूंगा। अरे झंडा ऊंचा फटाफट ईंट उठा और मिस्त्री के पास लेके जा साले काम नहीं करते काम चोर। अरे बदन सिंह फटाफट रेत उठा और रेत मिस्त्री को दे।
अब मुझे भी काम मिल जाएगा। काम मिलेगा? हाँ। अरे काम बहुत है यार, तुम्हें भी तो काम। हाँ काम करो, चलो ये बाल्टी उठाओ और ईंट भिगो। मगर पैसे कितने मिलेंगे? पैसे? हाँ। अरे पैसे जो इन सबको मिलेंगे इतने तुम्हें मिलेंगे। ठीक है। हाँ? ठीक है, मैं तो हल्का सा काम दे, मैं हल्का सा काम, हल्का सा काम कर ले, बाल्टी उठा ईंट भिगो ले। ठीक है, ठीक है। सांड जैसी दही लियो फिरे, अरे काम हल्का मांग रहे हैं, काम हल्का दे दो। ठेकेदार साहब चाय तो मंगवा लो। चाय? हाँ चाय भी मंगवाता हूँ, काम तो कर लो। चट्टू इधर आ बेटा। ठेकेदार साहब। अरे बेटे ये मजदूर किले कितने हैं और इन सब के लिए एक एक पेप्सी लेगा, चल भाग के जा। हैं? काम कर लो। ज़्यादा कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहे हैं। पेट भी आ गए तो दम चाहिए। वो पानी भरो, पानी ले। झंडा उठा, जल्द जल्दी उठ ला। ला तो रहा हूँ। अरे मसाला ला। पता नहीं भाई अब हमारे पैसे कौन देगा? हम भी फंस गए, अब पैसे कौन देगा? अरे मुल्ला जी इसी बात का तो रोना है, ये हमारी गलती नहीं है, सब मुकद्दर की लड़ाई है। हो कैसे भाई जान? भाई हमारा मुकद्दर सो रहा, वरना ये हमें पैसे दे के सकता। मगर मेरा तो जाग रहा है। वो ऐसे इसमें इस आदमी की गलती नहीं है, है? मगर किसकी गलती है? अगर जाग रहा होता तो हमारे पैसे दे के जाता। अरे मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, ये आदमी ठीक नहीं है, ऐसा ही है। इससे लगता है हमारा मुकद्दर सबका सो रहा है। इस बात से पता चलता है कि हमारा मुकद्दर सो रहा। ठीक है, मैं साले को आज ही जगा गया, आज फिर सो गया। अगर मैंने नहीं जगा जाएगा तो मेरा नाम शेख सिंह। Oh,
इसने मुझे उस खेत में मारा, वो तो मैंने सर्व कुमार कुछ ना कही ही। अरे जा जा, एक मारने को आवा, एक बचाने को आवा। माफी माफी ना, सर जेल भी जाऊंगा, इसने मेरी बेगम को बुरा हाल कर दिया। मैं तो हाथ नहीं उठा, इसे छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। अरे शेख जी, जिसे तुम अपना मुकद्दर 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 कर रहे हो, इनका तो नाम मुकद्दर ही है, पर ये तो सबके हमदर्द है, सबके दोस्त है, और आपने मार मार के लठिन का क्या हाल कर दिया। शेख जी, तुम इनसे हाथ जोड़कर माफी मांगो और कहो ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सब कुछ तो तेरे कह दिया, मेरी भी कसम है कि भैरा सुन नहीं रहा। शेख जी, तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो। पागल ना है यू, जानबूझ का पागलपंथी दिखावा है। जाओ जी, तुम जल्दी जाओ, पुलिस को लाओ बुला कर, और इसके पिछवाड़े पर 6 डंडे पड़वा। अरे तू पुलिस को कह रही है, मैं वो उठाना जा रहा बिल्कुल भी। अल्लाह मुकद्दर भाई, मुकद्दर भाई मुझे माफ कर दो, मैं आज से तुम मुकद्दर ही नहीं कहा करूंगा। ठीक है जा, आप भी समझ जा, ना तो पुलिस का डंडे लगवा दूंगा, और तब भी अपने घर जाओ भैया, जाओ निकल। अल्लाह